हेलो स्टूडेंट्स, करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट, एम्स आदि के बारे में कई जानकारियां आपको लगातार देते आ रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन तुरंत प्रेस करें ताकि इन एग्जाम्स और एजुकेशन से जुड़े डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर सही इन्फॉर्मेशन रेगुलरली और टाइमली आपको मिलती रहे। इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे IITs, NITs और भी कई गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होने के साथ ही आपको ब्रांच के बारे में डिसीजन लेना होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इन कॉलेजेस में इंजीनियरिंग ब्रांच का सिलेक्शन आपको कैसे करना चाहिए, कॉलेज में किस ब्रांच का क्या स्कोप है, किस ब्रांच में जॉब्स के क्या सीन हैं, जॉब मिल जाएगा या नहीं, सैलरी क्या होगी, रोकड़ा कितना मिलेगा, ये सब क्वेश्चंस नॉर्मली स्टूडेंट्स के दिमाग में होते हैं। इतना ही नहीं, और भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको ब्रांच सिलेक्शन से पहले सोचना पड़ता है। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ कि किस ब्रांच का क्या स्कोप है और उस ब्रांच के बारे में कुछ बेसिक जो कोर ब्रांचेज हैं उनकी कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, यानी ब्रांच के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपकी बढ़ेगी। ऑल द ब्रांचेज आर गुड इन इंजीनियरिंग। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एंड पैशन। यू शुड चूज द ब्रांच अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। आफ्टर ग्रेजुएशन यू हैव चांस टू परस्यू द करियर इन द सेम फील्ड और यू मे चेंज द फील्ड ऑल्सो। लेट्स टॉक अबाउट द ब्रांचेज इन परस्पेक्टिव ऑफ देयर स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करता हूँ। दिस हैज़ गुड स्कोप एंड अ वेरी वाइड स्कोप एक्चुअली। इट डील्स विद द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू द कंप्यूटर ऑपरेशंस एंड इट हैज़ वेरी गुड एंड फेवरेबल कंडीशंस, जॉब कंडीशंस इन फैक्ट। बट इट इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव एज एवरी कॉलेज हैज़ दिस डिपार्टमेंट। हेंस एक्सट्रीम स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू पुट अ मार्क इन द प्रोफेशनल फील्ड। अब मैं बात करता हूँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी ब्रांच है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। It's a fantastic branch these days. It deals with the software part and data analytics and statistics actually. It requires good mathematical and analytical skills. It provides good job opportunities. और आजकल मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो ब्रांच है इसका प्लेसमेंट, इसकी जो पोजिशनिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बराबर ही है। और वही जॉब ऑफर्स जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स को मिलते हैं, ऑलमोस्ट वही सब जॉब ऑफर्स मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच वाले स्टूडेंट्स को मिलते हैं। एक और बहुत अच्छी ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। दिस इज हैविंग स्कोप ऑफ जॉब्स इन रिसर्च इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। दीज डेज इट इज हैविंग लिटिल बिट लेस स्कोप इन इंडिया एंड यू मे एंटर इन द सॉफ्टवेयर फील्ड ऑल्सो थ्रू दिस पर्टिकुलर ब्रांच। हालांकि बहुत अच्छा जॉब सिनेरियो आजकल इस ब्रांच का नहीं है, तो पिछले कुछ सालों से ये थोड़ा सा डिक्रीजिंग ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक और अच्छी ब्रांच आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। It is one of the most versatile branch for Indian scenario. Job opportunities lie in the power plants and all kinds of process industries. एक और बहुत robust branch होता है mechanical engineering. और कुछ इसके group branches भी साथ में होती हैं, इसकी subsidiary branches जिनको हम बोल सकते हैं, जैसे manufacturing engineering, production and industrial engineering. Mechanical engineering includes design, manufacturing, installation and operations of engines, machines, robotics, heating and cooling systems and manufacturing processes actually. The demand of mechanical engineering jobs are high in India and abroad as well. The popular and most common industries where a mechanical engineer can be employed are power plants, oil and petroleum and process industries actually. Ek aur bahut acha branch hai chemical engineering, but it has limited scope of jobs in core field. केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब केमिस्ट्री नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं और समझते हैं कि इसमें शायद केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, बट इट्स नॉट ऑल अबाउट केमिस्ट्री ओनली। केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज आर द मोस्ट सुटेबल जॉब ऑप्शंस फॉर केमिकल इंजीनियर्स। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज ऑल्सो हायर केमिकल इंजीनियर्स। एक बहुत ही डिमांडिंग ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग। इट डील्स विद द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वर्क, सो इट हैज़ अ स्कोप ऑफ जॉब्स इन सिमिलर फील्ड्स एज वेल एज इन द सेल्फ ओन्ड स्मॉल स्केल वेंचर्स ऑल्सो। Information technology is another branch. It is related with the software development, but computer science graduates are given priority over these graduates. Normally, information technology ka competition seedhe computer science graduates se hi hota hai, aur wahan par information technology ke students ko thoda sa nuksan hota hai. To agar bahut acche college mein information technology branch nahi milta hai, to fir iska itna acha scope yahan par nahi hai. So these days basically this branch is being put at lower priority by the students until unless the college is the renowned one. Metallurgy and material science. This is also a very good branch, but it has a very limited scope actually.
और यहाँ पर बहुत हद तक इंटरेस्ट पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जॉब कंडीशंस इसकी बहुत अच्छी नहीं होती हैं और लेकिन मटेरियल साइंस में कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी इंक्लूड की हुई हैं, जैसे सेमीकंडक्टर एंड मटेरियल्स विद द न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज आर वेरी मच ऑफ इंपॉर्टेंस दीज डेज। तो कई बार स्टूडेंट्स मटेरियल साइंस से एंट्री करते हुए सेमीकंडक्टर पार्ट पर एक्सपर्टीज डेवलप करके और सीधा रिसर्च इंडस्ट्री में चले जाते हैं, जहाँ पर वो सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए और कंप्यूटर साइंस के हार्डवेयर पार्ट से जुड़े हुए रिसर्च वर्क में इंक्लूड उनको अपना जॉब ऑप्शंस मिल जाते हैं। Instrumentation and control is also another branch. This is basically the hybrid of electronics and mechanical engineering. बहुत ज़्यादा robust condition इसमें normally होती है, process industries में इस तरह के graduates का job normally लगता है। इसके अलावा भी और बहुत सारी branches होती हैं, जैसे engineering physics, ये पूरी तरह से research oriented branch है और जिन्हें physics में अच्छा interest है उन students के लिए ये option हो सकता है। और भी कुछ ब्रांचेज हैं जैसे आर्किटेक्चर, काफ़ी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से आप जैसे नाम से ही समझ में आता है, आप जानते हैं इस ब्रांच के बारे में। और लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि ये 5 ईयर कोर्स होता है, 4 ईयर नहीं होता है, तो यहाँ पर 1 साल हमें ज़्यादा देना पड़ता है। कुछ और ब्रांचें हैं जैसे टेक्सटाइल, माइनिंग इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, मैरिन इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, जियोफिजिक्स, ये सब कुछ बहुत ही कोर स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं, लेकिन इन सब में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। तो ये नॉर्मली लोअर रैंक वाले स्टूडेंट्स ही इनके लिए जा पाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई दूसरे बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। ब्रांचेस से जुड़ा हुआ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है, वो है ब्रांचेज। ऑलमोस्ट एवरी कॉलेज प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ ब्रांचेज ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर रिजल्ट। जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स का रिजल्ट आता है उसके बेस पर ब्रांच चेंज का ऑप्शन मिलता है। बट ब्रांच चेंज इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग, क्योंकि ये सिर्फ आपके फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर की परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि उस ब्रांच में कितनी सीट्स वैकेंट हैं उस कॉलेज में इस बात पर भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए मेरी एडवाइस है कि किसी भी ब्रांच को ये सोचकर ऑप्ट नहीं किया जाए कि मैं ब्रांच चेंज कर लूँगा, राइट? सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी विच यू मे गेट एज पर द परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसका आपको आंसर लेना होता है, और वो होता है 4 ईयर कोर्स और ड्यूअल डिग्री के बारे में, कि हम इन दोनों में से किसे ऑप्ट करना चाहिए। 4 ईयर कोर्स, एज द नेम इंडिकेट्स, ये 4 साल का कोर्स है, लेकिन ड्यूअल डिग्री या इंटीग्रेटेड कोर्स ये नॉर्मली 5 ईयर के कोर्सेज होते हैं। कोई भी ड्यूअल डिग्री कोर्स ये सोचकर ऑप्ट नहीं करना चाहिए कि इन एनी वेज मुझे 1 साल ज़्यादा लगाने से बीटेक के साथ साथ एमटेक की भी डिग्री मिल जाएगी, 5 साल में मैं 2 डिग्रीज ले लूँगा, ऐसा नहीं होता। 4 ईयर कंप्लीट होने के बाद आप 5वां साल जब पूरा करते हैं तभी आपको कंप्लीट डिग्री मिलती है, बीटेक एंड एमटेक दोनों एक साथ ही प्रोवाइड होती है। ऐसा नहीं होता कि 4 ईयर के बाद आप चाहें तो क्विट कर जाएं और बीटेक का डिग्री आपको मिल जाए, राइट? 1 साल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, किसी बहुत अच्छी ब्रांच में अगर आपको 5 ईयर कोर्स मिलता है तब आप इस बारे में सोच सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली हमें 4 ईयर कोर्स की तरफ जाना चाहिए। 1 साल आप वहाँ पर अपना बचा सकते हैं और उस 1 साल को अपने ग्रेजुएशन के बाद अपनी फ्यूचर प्लानिंग में लगा सकते हैं कि हम आगे क्या करना चाहते हैं, उसके लिए उस 1 साल को वहाँ पर यूज़ किया जाए। तो प्रेफरेबली 4 ईयर कोर्स की तरफ हमें चलना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि बीटेक करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। बीटेक के बाद आप फर्दर स्टडीज़ में जा सकते हैं, आप अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल नॉर्मली हर अच्छे कॉलेज में इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स पर वर्कशॉप और सेशंस होते हैं। आजकल स्टार्टअप्स का दौर है, आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है जॉब के बारे में, और इसमें आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स दोनों ही तरह के ऑप्शंस होते हैं। PSUs में जॉब के लिए गेट एग्जाम के बेसिस पर इंटरव्यू कॉल्स आते हैं, कई PSUs डायरेक्ट कॉलेज कैंपस से भी रिक्रूटमेंट करते हैं। बहुत से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट सिविल सर्विसेज यानी ICS और IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम्स देकर इन एलीट क्लास जॉब्स में भी जाते हैं। सिविल सर्विसेज के थ्रू आपका जॉब प्रोफाइल इंजीनियरिंग से चेंज होकर मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चला जाता है। सिविल सर्विसेज में इलेक्ट्रिक पेपर्स लेने के लिए कुछ इंजीनियरिंग ब्रांचेस का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये ब्रांचेस इलेक्ट्रिक को पेपर्स की तरह से सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स कई बार ऑप्ट करते हैं। और ऑल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिसको हम शॉर्ट में IES बोलते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इनमें जॉब्स टेक्निकल कम मैनेजमेंट साइट पर होते हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इन सभी ब्रांचेस की, इन सभी कोर ब्रांचेस के लिए एग्जाम कंडक्ट होते हैं। अगर हम हायर स्टडीज़ की बात करें तो वहाँ भी 2 ऑप्शंस आपके पास होते हैं। एक होता है हायर स्टडीज़ इन टेक्निकल फील्ड और दूसरा होता है हायर स्टडीज़ इन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन या फिनेंस।
पहले मैं आपको हायर स्टडीज इन टेक्निकल साइड के बारे में बताता हूँ। बीटेक के बाद फर्दर स्पेशलाइजेशन के लिए आप इंडिया या अब्रॉड दोनों ही जगह यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग IITs, M.Tech या ME कोर्सेज में एडमिशन के लिए गेट एग्जाम कंडक्ट करती हैं और यह सभी कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए होता है। आप अपनी ब्रांच या उसका कोर ग्रुप वाली ब्रांच में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी ब्रांच के स्पेशलाइजेशन वाले कोर्सेज जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, VLSI डिज़ाइन, इस तरह के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी कुछ स्पेशलाइज कोर्सेज में इन स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इसी तरह से बाकी सभी ब्रांचेस के स्पेशलाइजेशन के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और वो सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स अपने अपने कोर ब्रांच के स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में या उनसे रिलेटेड कुछ दूसरे ब्रांचेस के कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए GRE एक बहुत ही कॉमन एग्जाम है जिसके थ्रू आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में MS, यहाँ इंडिया में M.Tech होता है और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ नॉर्मली MS मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। इन कोर्सेज को करने के लिए आप जा सकते हैं। आपके GRE स्कोर के अनुसार आपको इन यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। यहाँ से आप जॉब में एंटर कर सकते हैं या PhD करते हुए रिसर्च में जा सकते हैं। BTech के बाद फर्दर स्टडीज़ में आप अपने स्ट्रीम चेंज भी कर सकते हैं और इसके लिए आप के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, वो है MBA। MBA भी डिफरेंट स्ट्रीम्स जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, HR, फिनेंस, मार्केटिंग, इस तरह के कोर्सेज में स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है और आप अपने BTech यानी कि टेक्निकल साइड से डिफरेंट प्रोफाइल में आप अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। इंडियन कॉलेजेस में CAT एग्जाम के थ्रू आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में GMAT के थ्रू आपको MBA कोर्सेज के लिए नॉर्मली एडमिशन अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इसके बाद आप जॉब्स या बिजनेस के फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हैं। इंजीनियर प्लस MBA, दिस कॉम्बिनेशन इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर द ब्राइट करियर, बट योर इंटरेस्ट इन ऑल सच एक्टिविटीज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। नाउ व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट व्हाइल प्लानिंग फॉर फ्यूचर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टार्ट कीपिंग एंड इन द माइंड एंड थिंक इन द रिवर्स डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी 4 साल के बाद आप क्या करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, फर्दर स्टडीज कंटिन्यू करना चाहते हैं, टेक्निकल लाइन में ही आगे बढ़ना चाहते हैं या स्ट्रीम चेंज करके मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन या इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के फील्ड में जाना चाहते हैं, यह सब सोचते हुए ही आपको डिसीजन लेना होता है और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी ब्रांच और कॉलेज का सिलेक्शन आपको करना चाहिए। माई डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में मैंने आपसे डिफरेंट इंजीनियरिंग ब्रांचेस, उनका स्कोप, BTech के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, इन सब एस्पेक्ट्स पर बात की है। आई एम श्योर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। अगले वीडियो में मैं आपसे कॉलेज सिलेक्शन के बारे में बात करूंगा, क्योंकि कई बार हमें कॉलेज को प्रायोरिटी देनी पड़ती है, कई बार हमें ब्रांच को प्रायोरिटी देनी पड़ती है, यानी हम इनमें बेस्ट कॉम्प्रोमाइज कैसे ला सकते हैं, इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग CareerPoint YouTube चैनल। थैंक यू वेरी मच।